We're going to have a tea coffee here with a view. Hey travelers, this is Madhur. And this is Gunjan signing in from Karnatal Kiko Glamping Resort. Glamping sounds interesting. Gunjan, it is interesting. क्या होता है glamping? Glamping is glamorous camping. So जहाँ पे आपको camping में बहुत ही basic सा room और बहुत ही basic सा washroom मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा glamorous होता है सब कुछ. So बताने से better आप क्या तुम मुझे दिखा सकते हो glamping क्या होता है? Let me take you through the room. Okay, so let's see the room first and then फिर बात करते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या किया. Hello, today this is our dome stay. This is Kiko Domes. And we wanted to experience this view and this stay, so we are here. So this is our room. This is a view that we are going to have a tea or a coffee with. This is completely uninterrupted view of the valley. Here we have this double bed, which is there. We have also got an extra bed. There's no AC in the room. There's a cooler which is there. And there's an exhaust up there. Other than that, the amenities in the room are... There's also a heater which is kept, which might not be useful right now for us. The amenities include tea coffee maker, and they've also given two pairs of Crocs. The water over here is RO water. This is a washroom. It has a small shower cubicle, the WC, and a wash basin. So the sliding door. There's also a geyser which is there. It's automatic, so you can keep it on. It gives a very tent kind of a feel. So essentially, this is how the room looks like. So as we say, glamping में आपका थोड़ा सा glamorous camping होता है, आपका room जो है वो थोड़ा सा luxurious होता है, not much. यहाँ पे अगर हम amenities की बात करें, the main attraction of the room is a view, the uninterrupted view of the valley and the mountains, जैसे कि आप देख सकते हो. But ये मतलब glamorous के नाम पे बहुत luxury नहीं है. Don't expect कि आपको AC मिलेगा, TV मिलेगा. यहाँ पे basic amenities हैं, but जो भी है बहुत अच्छा है. और मतलब from you know, camp style accommodation perspective, it's really nice. Yeah. अगर आप basic amenities की बात करें, यहाँ you know, cooler है, जिससे हमारा तो बहुत अच्छा काम चल गया, because weather इतना अच्छा है, मैं cooler की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी. But yeah, if it gets very hot, I am not sure if that will be able to suffice or not. So, सिर्फ एक जो चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी, वो मेरा personal यहाँ पे experience रहा कि जो इनके bedding थी, वो बहुत ज़्यादा comfortable नहीं थी. तो मेरे को बैक पेन हुआ रात को और मैं थोड़ी देर के लिए जमीन पे ही लेट गया था. फिर उसके बाद इवेंचुअली वी हैव टू स्विच प्लेसेस. देन ओनली दिस इज समथिंग व्हिच इज मोर पर्सनल टू मदर, क्योंकि मेरे को और बच्चों को हमें अच्छी नींद आ गई थी, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था. अगेन जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ, मेक श्योर टू कैरी सम गेम्स एंड ऑल. हमारे लिए दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज यू नो वी गॉट अ लॉट ऑफ फैमिली टाइम. हमने बहुत सारे गेम्स खेले, हमने दमशराज खेला, हमने चैरिट्स खेला, हमने ऊनो खेला, हमने स्पॉटेड खेला. सो फॉर अस इट वाज अ वेरी गुड टाइम, बट मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग विद यू. एंड एक और टिप, जब आप यहाँ आए तो बहुत सारा सामान लेके ना आए. ट्राई टू यू नो कन्फाइन योर सेल्फ इन वन और टू बैग्स, बिकॉज रूम के अंदर बहुत सारा सामान रखने की जगह नहीं है. अगर आप चार सूटकेसेस ले आएंगे तो देन यू विल स्ट्रगल टू वॉक इन द रूम. सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग ओनली वन. एंड एनीवेज दैट लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कीप मोर देन वन नाइट फॉर सच अ प्लेस. यहाँ पे एज वी सेड करने को कुछ नहीं है. एक छोटा सा नीचे कैफे है, जहाँ पे कैफे नहीं, छोटा सा शॉप है जिसमें आपको चाय मैगी वगैरह मिल जाती है. आउटसाइड रिसॉर्ट, आउटसाइड ऑफ द रिसॉर्ट. रिसॉर्ट में आपका रेस्टोरेंट है. जस्ट इन द बिगनिंग ऑफ द रिसॉर्ट आपका छोटा सा रिसेप्शन रूम आता है, जिसमें वो चेक इन वगैरह करवाते हैं, चेक इन करवाते हैं. और आपका उसी के ऊपर आपका रेस्टोरेंट है. उस रेस्टोरेंट में इनफैक्ट जो इनका पैकेज है ना, उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड नहीं होता, तो यू नीड टू बाय इट ऑन अला कार्ट बेसिस. सो हमने अगर फूड की अगर हम बात करते हैं, एक्टिविटीज में हम वापस आते हैं, बट अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड में हमने जैसे यहाँ पे इन रूम डाइनिंग में कुछ स्नैक्स इवनिंग में मंगाए तो वो ओके थे. कोई एवरेज एवरेज इज द टेस्ट वी वुड से. बाकी हमने ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि हम शाम को पहुँचे थे, फिर हमने नीचे वो मैगी बन चाय वगैरह पी ली थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा भूख नहीं थी. वी जस्ट हैड सम स्नैक्स. अच्छा एक और बात, यहाँ पे
पार्किंग की लिमिटेड स्पेस है, 3 से 4 गाड़ियों के बाद यहाँ पे जगह फुल हो जाती है। इसके बाद होटल वाले ही आपकी गाड़ी का एक अरेंजमेंट करेंगे जो कि थोड़ा सा दूर होता है। और अगर अब हम वापस एक्टिविटीज़ के ऊपर आते हैं, तो रिजॉर्ट के अंदर बहुत कुछ नहीं है करने के लिए एंड आप बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कनातल को। सो एक तो आपका कौडिया नेशनल पार्क है, वो आप जा सकते हैं, जिसके लिए आप सफारी को कॉल करेंगे, सफारी आपको होटल से पिक कर लेगी एंड दे चार्ज ₹2500। तो 1-1.5 घंटे का आपकी पूरा ट्रैक है। डोंट एक्सपेक्ट मच कि आपको जानवर मिलेंगे वहाँ पे, बट इट्स लाइक इट्स अ फन ड्राइव। हाँ, आपको जीप राइड मिलेगी एक जंगल में। So it's a good feel, but don't keep, as mother said, don't keep expectation कि आपको वहाँ पे बड़ा leopard या tiger कुछ मिलने वाला है। That won't be the case. वो खुद ही भैया बता रहे थे कि 3 महीने में एक बार ही कुछ sightseeing मिल जाता है। हाँ, sightseeing मिल जाता है। Then resort के बिल्कुल बाहर एक adventure zone है। So कनातल में बहुत जगह adventure zone मिल जाएंगे जहाँ पे zip line कर सकते हो, nature walk कर सकते हो और काफी सारी fun activities कर सकते हो। तो एक तो resort के बाहर है तो वो भी आप explore कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, कनातल इज फेमस फॉर कैफेज लाइक मसूरी इज। तो यहाँ पे आपको कैफेज मिल जाएंगे, ओली कैफे इज वन जो हमने सुना था बट वी डिडंट गेट चांस टू गो ओवर देयर। सो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन लास्ट प्रोबेबली यहाँ पे मंदिर हैं जो हिल टॉप के ऊपर है, तो वो वहाँ पे आपको एक जंगल के अंदर भी मिल जाएगा और बहुत सारे मिल जाएंगे। सो यू नो इफ यू आर समवन हु लव्स विजिटिंग मंदिर, देन यू विल हैव सम ऑप्शंस। इस रिजॉर्ट में बाकी और कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है, ना हमारे लिए भी कुछ बहुत ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, बोलने के लिए भी नहीं है। मेन आपका जो अट्रैक्शन है इसका, दैट इज द व्यू फ्रॉम द रूम। हम लोग जैसे ही सुबह, सो मॉर्निंग में आई गॉट अप एंड इट वाज सो, यू नो, इट वाज सो ब्राइट एंड आई थॉट कि हम काफी लेट हो गए उठने पर, बट जब मैंने टाइम देखा इट वाज 5:40। सो यू नो द व्यू फ्रॉम द रूम इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल और आप जैसे ही आंखें खोलते हैं तो आपके सामने बिल्कुल माउंटेन्स होती हैं। और अभी तो जैसे अगर आप देख रहे हैं कि क्लाउड्स लिटरली हमारे आमने आगे से घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। सो यू नो इट्स अ वेरी परफेक्ट वेदर टू कम है। वी आर ट्रैवलिंग इन अर्ली जुलाई, सो यू नो आई थिंक दिस इज अ गुड वेदर। या सो यू आर विद नेचर, दैट्स इट। और शाम को बहुत ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे पर नाइट चार्जेस हैं वो है अराउंड 13,000 rupees फॉर ए फैमिली ऑफ 4, जिसमें एक एक्स्ट्रा बेडिंग इंक्लूडेड है बट ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये बुकिंग हमने गो आई बी वो से कराई थी, तो आप भी ट्रेवल साइट्स चेक कर सकते हैं बिफोर यू एक्चुअली बुक अ स्टे हियर। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मसूरी से आए थे, मसूरी में हमने JW मैरिट में स्टे किया था, उसका एक्सपीरियंस भी हमने बना रखा है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो डू एक्सप्लोर। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज हैं वो लग्जरी में, Bye-bye.